चलते हैं शाम घर भर। कहाँ रहने वाले आप हैं? हम लोग बिहार गोपालगंज जिला। तो क्या घटना हुआ है आपके साथ? घटना यहाँ चोरी हुई है गाड़ी से। कितना? सफारी गाड़ी चोरी हुई है। कितना हुआ है? कितना? लगभग 5-6 के बीच में। क्या? 5-6 लाख के बीच में। जौरा और कैसे लेकर कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम बनारस में आए थे, गाड़ी बनवाने के लिए आए थे। हमारे लड़के एमपी उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, फिर रात होटल बुक था, सुबह के दो दिन में गाड़ी बनवा के आते थे, परचेजिंग था, परचेजिंग करते थे। तो यहाँ कहाँ आए थे आप? कितने लोग साथ में थे आप लोग? कितने लोग साथ में थे? हम थे उपेंद्र कुमार, एमडी थे, मेरे लड़के थे, ड्राइवर है, मेरी मिसेज थी। एमडी कहाँ के हैं? एमडी दिल्ली में एमडी है। अच्छा, तो लखनऊ के एमसी से एमबीबीएस है, दिल्ली में एमडी है। अच्छा, किस विभाग में है? किस विभाग में? मेडिकल का एमडी है, डॉक्टर है, बदल के रहने वाले हैं। और आज 10 बजे करीब 10 बजे हमने मीटिंग में छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे भारत, तभी इनकी गाड़ी का पंचर हो गया है। और जैसे इन्होंने बताया कि 2-3 लोगों का पूरा विरोध है, जिसमें से एक ने इनको चकमा देके कि गाड़ी के अंदर कोई ऐसा पदार्थ डाला जिससे इनको इरिटेशन हुई। पीछे को सामान रखा हुआ था, इनका कीमती सामान रखा हुआ था, जैसे ही इनकी नज़र हटी वहाँ से सामान उन्होंने निकाल के गैर चप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। लगभग कितना रुपया था? 6 लोग बता रहे हैं। अभी तहरीर दी नहीं है इन्होंने, लेकिन अभी तक जो पूछताछ करी है उसमें इन्होंने 2-2.5 लाख रुपये तक कैश प्लस कुछ कीमती ज्वेलरी की वैल्यू बताई। 5-6 लाख की बात बता रही है कि 5-6 लाख रुपया उसमें था। अभी तक पहली बार से बात रही है, 2.5 लाख की बात बताई है। अगर तहरीर में जो